क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। जाफर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को पिछले हफ्ते एक तजवीज़ दी थी जो ठहरी मीरा में जो वाक़ा हुआ, जिसमें एक तालिब इल्म जो है वो दौरान इम्तहान जाँ वक़ हुआ मैट्रिक के अंदर, तो उसकी वजह से मैंने ये तजवीज़ दी है कि अब हम इम्तहान 1 अप्रैल से ले सकते हैं, और बड़े आराम से अगर हम 1 अप्रैल से लें तो मिड मई तक हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, और मौसम भी निस्बतन फ्रेंडली होता है, और तमाम असातिज़ा जो है 1 जून से छुट्टियों पे चले जाते हैं, तो उसकी वजह से भी सेंटर चलाने के लिए प्रिंसिपल हज़रात को प्रॉब्लम होती है। तो और आज इस सेंटर को हमने विज़िट किया, इसमें 800 के करीब बच्चियाँ बैठी हैं, और 800 बच्चियों में तकरीबन 18 रूम्स हैं और एक हॉल है, और इम्तहान और तमाम सेंटर से जो हमारे कंट्रोल रूम को इत्तला मिली 9:30 बजे तक, जो हमें मिलता है किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली, और तमाम CCOs जिसे हम कहते हैं सेंट्रल कंट्रोल ऑफिसर, वो अपने अपने सेंटरों पे पेपर लेके 8:30 और 9:45 बजे पहुँच गए थे, और तमाम सेंटरों पे पेपर बर वक्त शुरू हो गया था। अब हमारी नेक्स्ट तजवीज़ यही है कि अगर हम आइंदा इम्तहान को थोड़ा पीछे ले आएँ तो ये गर्मी के मौसम से बच सकते हैं। अगरचे हमने आज भी इससे पहले भी के इलेक्ट्रिक को बड़े खतूत लिखे हैं, तो आज खुशकिस्मती से अभी तो जहाँ जिस कॉलेज में हम और आप खड़े हैं तो लाइट मौजूद है, और उनको हमने ये कहा है कि आप एग्ज़ाम के दौरान मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में अपने शेड्यूल को रीशेड्यूल कर लें ताकि बच्चे सुकून के साथ पेपर दे सकें। उम्मीद है कि वो इस तजवीज़ पे अमल करेंगे ताकि ये बच्चे जो है पुरसकून अंदाज में अपना इम्तहान दे सकें, और आइंदा साल स्टीयरिंग कमेटी से रिक्वेस्ट करेंगे, भरपूर रिक्वेस्ट करेंगे कि इम्तहान के सेशन को थोड़ा पीछे लाएँ 1 अप्रैल से, ताकि बच्चे सुकून से अपना इम्तहान दे सकें। ठीक है।